यूक्रेन को रूस के अंदर तक पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, मगर रूस की ओर से लगातार इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे फैसलों की खबर पर नाराजगी जता चुके हैं। वहीं अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। मेदवेदेव ने टेलीग्राम चैनल के जरिए चेतावनी भरे अंदाज में पश्चिमी देशों को बड़ी नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की दखलंदाजी से रूस का धैर्य खत्म हो रहा है। परमाणु संघर्ष किसी के हित में नहीं है। रूस ने अंदर तक सटीक हमले करने के मामले में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी के जवाब में अपनी परमाणु क्षमताओं के इस्तेमाल करने में संयम बरता है। सबसे बड़े धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी नेता की हालिया चेतावनी यूक्रेनी सेना को सामरिक मिसाइल सिस्टम देने के लिए अमेरिकी रुख के बाद आई है। मौजूदा रूसी राष्ट्रपति के खास समझे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के खिलाफ रूस में अब तक तैयार सबसे बड़े बम के इस्तेमाल का इशारा किया है। इस बम को फादर ऑफ ऑल बम यानी FOAB नाम दिया है। मेदवेदेव ने आगे कहा कि सच है कि रूस से इस प्रतिक्रिया की संभावना नहीं है, लेकिन ये भी एक संभावना है। फिर क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। उस जगह जहाँ कभी रूसी शहरों की माँ खड़ी थी, वहाँ एक विशाल धब्बा रह जाएगा। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी यानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। क्या है रूस का फादर ऑफ ऑल बम जिसकी धमकी मेदवेदेव दे रहे हैं? रूस के बम वर्षक बेड़े के सभी विमान फादर ऑफ ऑल बम को गिराने के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने FOAB को तैनात कर सकता है। थर्मोबैरिक बम को सभी बमों का बाप कहा जाता है, जो रूस का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक बम है, जिसका वजन लगभग 7100 किलोग्राम है। FOAB की विस्फोटक ताकत 44 टन TNT के बराबर है। इसमें थर्मोबैरिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाई प्रेशर वाली विस्फोटक रे और विशालकाय आग का गोला बनता है। इस बम को रूसी बम वर्षक बेड़े के किसी भी विमान से गिराया जा सकता है। हालांकि मेदवेदेव ने नए डिलीवरी वाहनों के इस्तेमाल की बात कही है, जिससे जाहिर होता है कि रूस बेहतर डिलीवरी विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस इस बम के लिए RS-28 सरमेट जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये पेलोड ताकत के मामले में सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। FOAB को पहली बार साल 2007 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। रूस ने इस बम को अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट के जवाब में बनाया था, जिसे सभी बमों की मां कहा जाता है। वहीं रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने दावा किया कि पश्चिमी नेताओं ने इस पर पहले से ही फैसला ले लिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। वे सिर्फ इस मामले में रूसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर वे आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर सकते हैं। इसलिए हम हर चीज के लिए तैयार हैं। इसके अलावा क्रेमलिन ने भी बढ़ते खतरे को भांपते हुए सजग रहने का संकेत दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर रूस फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल करता है, तो ये यूक्रेन में भीषण तबाही मचाएगा। यूक्रेन इससे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसकी अब तक किसी ने कल्पना तक नहीं की है।